हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का पार्टीशन कैसे करें। जैसे दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगे रहते हैं 500 GB का, उसका पार्टीशन करना रहे हमें दो तीन पार्टीशन करना रहे, CDEFG, तो कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं ब्यासोनी सिंह, टेक ब्यास यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे। वन सेकेंड दोस्तों, इस वक्त दोस्तों देखो, हमारे पास तीन पार्टीशन ऑलरेडी हमारे सिस्टम में क्रिएट हैं, हमें एक पार्टीशन और क्रिएट करना है। तो दोस्तों, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे एंड मैनेज पे जाएंगे। एक विंडो ओपन होगा, देन डिस्क मैनेजमेंट के पास जाएंगे, क्लिक डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए, भी तीन ड्राइव ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, CDE। तो दोस्तों, हमें एक 100 GB का एक पार्टीशन और बनाना है ई ड्राइव से। तो दोस्तों, ई ड्राइव पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिंक वैल्यूम पे क्लिक करेंगे और हमें 100 GB को EMB में कन्वर्ट करके डाल देना है। अभी हम 1 लाख MB का ड्राइव क्रिएट कर रहे हैं, देन सिंक करेंगे। अभी दोस्तों देखिए, 97.66 GB का एक पार्टीशन अन एलोकेट हो गया। अभी ये पार्टीशन रेडी नहीं हुआ है, मतलब पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं बट अभी रेडी नहीं है। तो दोस्तों, इसको अलाउ करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वैल्यू पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेम वैल्यू डाल देंगे 1 लाख MB एंड नेक्स्ट क्लियर करेंगे। फाइल का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, FGH जो भी, एफ, देन नेक्स्ट करेंगे, उसको NTFS से फॉर्मेट कर देंगे। यहाँ भी आप न्यू वैल्यू को कुछ भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग हो। अभी यहाँ पे न्यू वैल्यू नहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश कर देंगे। अभी दोस्तों, हमारा ये EF पार्टीशन रेडी हो गया 97 GB का। अभी हम देखते हैं कि ये पार्टीशन हमारे रेडी हो गए कि नहीं। तो दोस्तों, अभी देखिए, हमने स्टार्ट करते टाइम हमारे पास 3 पार्टीशन थे, अभी एक पार्टीशन EF ड्राइव का, EF डिस्क का रेडी हो गया 97.5 GB। तो इस तरह से दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।